सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। पहले के जमाने में लोग बिना कॉलम के ही घर बनाया करते थे, नींव को खोद कर उसमें बोल्डर डालकर। लेकिन अब चलन हो चुका है कॉलम पे घर खड़ा करने का। लेकिन कई लोग अगर अपनी पुराने घरों को अगर कॉलम पे नहीं बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि दुर्ग में, आदर्श नगर में जैक लगा के कॉलम बनाने का जरिया ना करते हुए भी जैक लगा के घर को उठाकर अच्छे से मरम्मत करके इसको फिर से नए तरीके से बनाया जा रहा है। इस जैक लगा के जो विधि से इस घर को जो जैसे अच्छे से रिपेयरिंग करके बनाया जा रहा है, उसके वैज्ञानिक बोल सकते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस विधि से ये बना रहे हैं और कितना इसमें लागत आता है, डैमेज होने का खतरा कितना रहता है। जी सर, बताएंगे आप कितने सालों से काम कर रहे हैं और कितना जैक लगता है घर को उठाने में। हम सर 2004 से काम कर रहे हैं ये, और जी इसमें 170 जैक लगे हैं फिलहाल। इस बिल्डिंग में 1400 फुट एरिया है, दुर्ग के अंदर पहला काम हमारा, और इसमें डैमेज होने का कोई खतरा नहीं है, कोई भी खतरा नहीं सर। इसमें इसके अंदर हम बेल्ट पा कर देंगे, ये चुनाई करके देंगे, 3 फुट उस टाइम लिफ्टिंग हो रही इसकी। ये इसको करने के क्या फायदे हैं, यानी कि इस कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? इसको जो मकान नीचे होता है पानी भरता है जिस घर के अंदर, उस घर के अंदर उसको उठाने के लिए उसको फायदा होता है पानी भरने से। और जैसे बात करें, कई लोग बोल्डर खोद के पहले बिना कॉलम के बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना मेहनत लगता है, कितना मटेरियल को नीचे से बाहर निकालते हो, कहीं घर धसक गया, कुछ बड़ा दुर्घटना हो गया, ये सब का खतरा इसमें कितना रहता है? इसमें कोई खतरा नहीं सर, इसमें 75% बचत है, मालिक की 25% खर्चा आता है सारा, 25% खर्चा आता है सिर्फ ओनली। कितना बिल्डिंग जिस हिसाब से 25% खर्चा है इसका, कितना फीट अपन उठाए हैं इसको? इसको 3 फुट उठाया हमने। और मैक्सिमम कितना तल्ले बंगले को अपन? 5-7 फुट उठा देते हैं। 5-7। और जैसे अगर इसके, ये तो सिंगल बिल्डिंग, अगर इसके ऊपर डबल 4 मंजिल बिठा उठा देते हैं, 5 मंजिल वो उठ जाती है। यहाँ कितने जैक का प्रयोग हुआ है? 170 जैक का इस बिल्डिंग के अंदर प्रयोग हुआ है। इस घर में पहले क्या समस्या आती थी? इसके पानी भरता था, इसमें पूरा पानी भर जाता, भर जाता पानी, बरसात आ जाते थे, पानी 2 फुट 2 फुट 2.5 फुट पानी आ जाता था इसके अंदर। ये काम की कारीगरी आपने कहाँ से सीखी? ये हमारे ताऊ जी ने करी, घर से ही अपने, हमारे खानदानी काम है हमारा, ये जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ। तो कितने सालों से अपन ये काम कर रहे हैं? हम, मेरे को साल हो गए 20-22 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। कितने मकानों को आप नीचे से ऊपर उठा चुके? कई हजारों, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। आप कहीं इंजीनियरिंग की कहीं से पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? मैं कोर्स वही मेरे ताऊ जी ने सिखा रखा, जो भी कुछ सिस्टम है बस उसी के बलबूते में चल रहे हैं। बिना कोई इंजीनियरिंग के डिग्री प्राप्त किए या बिना कोई इंजीनियर बने, इस टाइप का टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एक जर्जर मकान को फिर से नया स्थापित कर देने वाला टेक्नोलॉजी वाकई में एक अद्भुत है। और कम लागत में, कम खर्चे में अगर इस घर को अगर फिर से बनाया जाता तो इसको पूरा तोड़ के बनाया जा सकता है। लेकिन इसको पूरा तोड़ के ना बना के नीचे का नींव खोद के बोल्डर हटा दिया गया है और कॉलम पे जैक खड़ा करके इस घर को ऊंचा उठा दिया गया है, जिससे इस घर में जो पानी भरता रहा होगा सड़क से आते समय, अब वो पानी नहीं भरेगा, और जिसके कारण इस घर की लागत भी कम आई और इस घर को तोड़ने से भी बचाया गया। हम आपको इस घर का मुआयना करवाते हैं कि कैसे ये पूरे घर को जमीन से ऊपर उठा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना जैक का इस्तेमाल किया गया है, कितना गड्ढा खोदा गया है, और पूरा कंस्ट्रक्शन इस काम इस घर में चल रहा है। इस घर के ये बेडरूम रहा होगा, रूम रहा होगा, और ये हॉल है बाजू में, और उसके बाजू में और 2-4 कमरे बने हुए हैं, ये वॉशरूम है। सब जगह गड्ढा खोद करके नींव बना के बिना ऊपर के मटेरियल को बिना तोड़े फोड़े ये कार्य किया गया है। पंखा, लाइट, बिजली, कुछ भी चीज़ को यहाँ का, पुराने कुछ भी चीज़ को यहाँ का आप देख सकते हैं कि थोड़ा मशक्कत करना पड़ रहा है। बिना कुछ भी निर्माण को तोड़े बिना ही इस जमीन से उठा दिया गया है, 3 फुट उठाकर ये निर्माण को किया जा रहा है। मजदूर भाई लोग अभी खाना खा रहे हैं और मेन इंचार्ज ही बैठे हुए हैं जो इस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक है, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करती हुई आई है। ये घर का हॉल है एक्चुअल में, और देख सकते हैं कि पूरी बिजली वायरिंग
सब चीज जस का तस है, बस नीचे का लेवल को गड्ढे खन के ही उठाया गया है। अगर इसी मकान को अगर फिर से निर्माण किया जाता तो इसकी लागत ज़्यादा आती। पूरे घर के स्ट्रक्चर को तोड़ के फिर से कॉलम के गड्ढे खन के बनाया जाता। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला, सिर्फ ये जैक की सहायता से ही इस पूरा बिल्डिंग को उठा कर रख दिया गया है, जिससे यहाँ होने वाली समस्याओं को अब ठीक किया जा सकता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का। हमारे साथ इस वक्त घर के मालिक खड़े हुए हैं जो इस घर के निर्माण को करवा रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि कहां से इन्होंने ये सब देखी और इनको कितना खर्चा पड़ रहा है। सर बताएंगे कि पहले क्या समस्या थी आपके इस घर में जिसके कारण इसको इस टाइप का अपन करवा रहे हैं बिना तोड़े। बरसात के दिनों में क्या रोड लेवल ऊँचा होने से रोड का पानी पूरा घर के अंदर आ रहा था, और ये पुराना मकान है, कम से कम 35-36 साल पहले रोड लेवल से 1.5-2 फीट नीचे हो गया है, तो दिक्कत होती थी। मैं बोला कि क्या करना है, तो तोड़ के बजाने का सोचा तो बजट से ऊपर हो रहा था, तो मैंने सुना था, फिर यूट्यूब में देखा, दिल्ली में एक बार गया था तो वहाँ देखा लोग कर रहे हैं, तो इनसे कॉन्टेक्ट किया, ठेकेदार से बात किया, उनको बुलाया, वो आए देखे तो ये बोले बहुत आसानी से उठ जाएगा करके, तो बोले चलो देखा जाए, तो फिर उसी में कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि आपका घर बाजू में एक घर नया बनवाए हुए हैं, इस घर से कितना लगाव था जो इसको तोड़वाए नहीं आप और फिर से यानी कि नीचे का ही मरम्मत करके ऊपर उठा लिए आप? ये क्या शुरू का पहला मकान था तो अटैचमेंट ज़्यादा थे तो तोड़ाना नहीं है, इसके यहाँ रहते भी थे हम लोग, लेकिन अब सोचे कि चलो इसको बनाया जाए करके, तो बस रिनोवेट कर दिया, बहुत अच्छा बन गया है और 3 फीट हाइट हो गई आज के डेट में, रोड से 1 फीट ऊपर ले आए हम लोग इसको। यानी ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, लोग अपनी पुरानी चीज़ को ना तोड़ते हुए भी फिर से बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छे आपके बजट में रहती है ये टेक्नोलॉजी, और लोग नए जो तोड़ बनाएंगे आज के डेट में जो बिल्डिंग मटेरियल के रेट से आसमान छू रहे हैं, तो बजट आपको लड़खड़ा जाता है, तो कम बजट वाले मध्यमवर्गीय परिवार, छोटे परिवार बहुत अच्छे से इसको बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2-3 मंजिला भी मकान ये लोग बहुत आसानी से उठाते हैं। उठाने के बाद इन लोग बना के गए और बाद में भसक गया, ऐसा टाइप गारंटी दे रहे हैं? इन लोग तो 30 साल की गारंटी, इन लोग तो अमर की गारंटी दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, बोले हमको बोले उसके ऊपर तुरंत बनाओ, और हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेकंड फ्लोर फिर बना रहे हैं। हाँ, कि देखते हैं, इन लोग तो बोल रहे हैं कि अमर हो गया मकान करके, नीचे जो गैप था इन लोग उसमें DPC डाल के ईटा जोड़ाई कर रहे हैं। ये इंजीनियर भाई साहब आप कैसे पहुंचे आप? ये YouTube में देखा था, और दिल्ली में मैं बेटी रहती थी, एक बार गया तो घूमने तो देखा वहाँ ये लोग काम कर रहे थे। हाँ। तो बहुत देर तक देखा क्या नया चीज़ है करके, तो उनसे बात किया तो उनको बुलाया, ये आ गए तुरंत, मैं उनको एड्रेस दिया, आप आइए, मतलब एक बार आके देखिए। छत्तीसगढ़ के लिए नया चीज़ है? नया चीज़ है, और हमारे आदर्श नगर में 70% मकान है जो रोड लेवल के नीचे हो गए हैं, और मुझे लगता है जो पुराने जो मोहल्ले हैं लगभग जितने पुराने मकान हैं आज के डेट में रोड लेवल के नीचे हो ही जाते हैं, तो ऑकवर्ड लगता है, और ये बहुत अच्छा है, लोगों को तो इसको संपर्क करना चाहिए और बनवाना चाहिए।